ओम अष्टो वास्तु चैनल में भाई वीरेंद्र सक्सेना का नमस्कार। आपने बहुतों को सुनते देखा होगा, बहुतों के मुख से सुना होगा। पंडित लोग भी कुछ लोग कह देते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा या प्रभु हनुमान जी का पाठ नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। अब हनुमान चालीसा में एक छंद आता है, जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ क्या है इसका? जो सत बार 100 times 100 बार इस पाठ को करेगा, कोई भी आदमी, इसमें कोई शब्द आया हुआ है एनीबडी, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, ना इसमें स्त्री का नाम लिखा है, ना इसमें पुरुष के बारे में कहा है। अतः ये सर्वथा गलत है, समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक नारी को उसका अधिकार है कि वो इसका पाठ करे, क्योंकि कलयुग में हर चीज की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि के लिए, दुखों की मुक्ति के लिए, प्रभु के आशीर्वाद के लिए, परमा आनंद प्राप्त करने के लिए, दुख का निवारण करने के लिए हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा गया है। कि कलयुग में अगर हनुमान जी की हम पूजा कर लें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो हमारे सारे जो दुख हैं उसका निवारण हो जाता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से आदमी स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, दुखों से दूर रहता है, धन धान्य ऐश्वर्य ये चीजें मिलती हैं, ग्रह क्लेश झगड़े खत्म हो जाते हैं, विपत्ति कभी आपके घर में नहीं आएगी, भूत पिशाच इनसे मुक्ति मिल जाती है। अतः एक बात और बताना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में लड़कियों की शादी के लिए, उनके अच्छे वर के लिए, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए, उनकी पति की कामना के लिए, अगर पति दूर चला जाए उसको वापसी बुलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए दो ग्रहों का मुख्य योगदान है। पहला है मंगल, दूसरा है गुरु बृहस्पति। बृहस्पति भगवान की पूजा आप करते हैं गुरुदेव, गुरुवार को बहुत अच्छे फल मिलते हैं, शांति के देव हैं। लेकिन कर्मों के जो देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा करने से पति दूर गया है वापस आ जाएगा, आपको अच्छा वर मिलेगा। तो ऐसे में कन्याओं को, लड़कियों को, महिलाओं को, मेरी बहनों को हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। इससे आपको सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि प्रभु हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं। एक बात छोटी सी बोल देते हैं, कुंवारी लड़कियां जो होती हैं उनको हनुमान जी की प्रतिमा को छूना नहीं चाहिए। हाँ, शनिवार और मंगलवार ये दो दिन तो आप मान लो, क्योंकि शनि भी हमारे कारक हैं शादी के। बच्चे की शादी ना हो, लड़की की शादी ना हो, उसके पिता को प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का जरूर पूजा करें, पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, लेकिन मांसाहार का प्रयोग ना करें। आपके जीवन में सुख शांति अनुशासन ऐश्वर्य सभी साधन पूर्ण होंगे, ऐसी कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहें और आपका मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।